साधुओं के चार भेद बताए, ऋषि, मुनि, यति और अनगार। तो रिद्धिम प्राप्ता ऋषयः, जो रिद्धियों को प्राप्त हो चुके हैं वो ऋषि कहलाते हैं। ऋषि का अर्थ रिद्धिधारी। फिर देश सकल प्रत्यक्ष ज्ञानिनो मुनयः, जिनको देश प्रत्यक्ष ज्ञान अवधि मना पर्य अथवा सकल प्रत्यक्ष ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है उनको मुनि कहते हैं। तो अवधि ज्ञानी, मना परे ज्ञानी अथवा केवल ज्ञानी जो साधु हैं वो मुनि कहलाते हैं। तो उस अपेक्षा से विचार करें तो आज इस काल में कोई मुनि नहीं है उस सिद्धांत वाले शब्द को देखें तो। और साधुवाचक अगर कहो मुनि शब्द को लेकर तो फिर है मुनि, आज भी है। तो ये एक महत्व की बात है। तो जो अवधि, मनःपर्य और केवल ज्ञानी है उनको मुनि कहते हैं। फिर यति किनको कहते हैं? उभय श्रेण्यारोहिण यतयः, जो उपशमक अथवा क्षपक दो श्रेणियों पर आरोहण करने वाले साधु हैं, यानी जो सप्तम गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थानों में जा चुके हैं उनको यति कहते हैं। फिर अनगार किनको कहते हैं? अनगार आह सामान्य साधव, अनगार जो है वो सामान्य साधु है। अब सामान्य साधु का अर्थ होता है साधु, सामान्य समान साधु चर्या पालने वाले सामान्य साधु कहलाते हैं। अपन अपनी दृष्टि से ऐसा नहीं समझे, सामान्य का अर्थ मामूली मत समझना।